नमस्कार, स्वागत है आप सबको। आज मैं फिर बिल्कुल नया टॉवल का डिज़ाइन लेके आई हूँ। आशा करती हूँ आप लोगों को ये डिज़ाइन भी बहुत पसंद आएगा। और ये डिज़ाइन बड़ा है और देखने में भी सुंदर है। मैंने कलरफुल पुराना ऊन यूज़ किया है इसमें। पिछले सारे वीडियो के डिज़ाइन आप लोगों ने बहुत पसंद किया, आशा करती हूँ उसी तरह ये डिज़ाइन भी आप लोगों को पसंद आएगा। चलो आइए अभी शुरू करते हैं ये डिज़ाइन बनाना। सबसे पहले ये लाइन देखना है, ये डिज़ाइन एक ही लाइन में होना चाहिए, साइड में से, साइड में भी और ऊपर नीचे से भी। तो बीच में यह सेंटर में ला के यहाँ से धागा निकाल लिया और उसके बाद यहाँ पे एक लाइन छोड़ के दूसरे लाइन में धागा ले लिया। यहाँ पे दो धागे लिया है, उसके बाद फिर से दो लाइन छोड़ के सीधा ऊपर वाले धागे को लेना है। फिर नीचे आके फिर और एक धागे को निकालना है, सेंटर में एक धागे लेना है और साइड में और एक धागे को लेना है। उसके बाद फिर से जहाँ से शुरू किया था वहाँ पे लाना है। अभी फिर ऊपर वाला लाइन में फिर से दो धागे लेना है। इस तरह फिर जो ऊपर दो लाइन छोड़ के ऊपर लिया था इसके ऊपर फिर से दो धागे लेना है। फिर नीचे आके यहाँ से दो धागे लेना हो, फिर नीचे सेंटर में लाना है। इस तरह हम बनाते जाएंगे। अभी पे इसमें दो धागे लिया था, अभी यहाँ पे तीन धागे लेंगे। देखिए इस तरह तीन धागे निकाल लिया, उसके ऊपर फिर से यहाँ पे पहले एक था उसके बाद दो, अभी यहाँ पे तीन लेना है। फिर से नीचे लेके आना है, यहाँ से भी तीन धागे लेना है, फिर सेंटर में। फिर से अभी ऐसे ही तीन लाइन बनाना है इसी तरह। इधर लास्ट लाइन में थोड़ा और डिजाइन बनाएंगे ऊपर वाला। यहाँ पे दो ले लिया और बीच में से एक धागे लेंगे और फिर से ऊपर बिल्कुल दो लाइन छोड़ के सीधा ऊपर वाले धागे को लेना है। फिर से बीच में आके और साइड में दो धागे लेना है। फिर नीचे आना है, यहाँ से भी तीन धागे लेना है, अभी सेंटर में लेके आना है। बस हमारा डिज़ाइन कंप्लीट हो गया। ये सारा डिज़ाइन इसी तरह बनेगा, सिर्फ मैंने कलर अलग अलग लिया है, शायद आप लोगों को अच्छा लगेगा और बहुत आसान तरीके से बन जाता है ये डिज़ाइन। और ऊपर साइड में भी डिज़ाइन बिल्कुल बराबर आना चाहिए, तब देखने में अच्छा लगता है। अगर ऊपर नीचे हो गया तो अच्छा नहीं लगेगा देखने में, इसीलिए ध्यान में रख के इसको बनाना है। पूरा डिज़ाइन बन गया है, उसके बाद देखने में ऐसे दिखेगा।